नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। समस्तीपुर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक आवश्यक जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए समस्तीपुर के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना को लेकर आवश्यक जानकारी देते हुए कहा कि मास्क लगाना अनिवार्य है। मास्क नहीं लगाने वाले लोगों के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि 14 जुलाई को सघन जाँच किया गया, जिसमें कुल 2513 लोगों को जाँच किया गया। वही 2257 लोग मास्क लगाए हुए पाए गए, वही 256 लोग मास्क नहीं लगाए थे, जिन पर जुर्माना लगाया गया और मास्क दिया गया। वही जुर्माना के रूप में कुल 12,800 रुपए वसूला गया। और ये भी कहा गया कि अब कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति घर में रहना चाहते हैं तो होम आइसोलेट हो सकते हैं, बशर्ते कोरोना पॉजिटिव लोगों के घर पे पर्याप्त जगह हो और घर के लोगों से अलग रह सके। प्रशासन पहले कोरोना पॉजिटिव के घर की जांच करेगी और साथ ही ये भी देखेगी कि पॉजिटिव व्यक्ति को पहले से कोई अन्य बीमारी तो नहीं है। पहले से बीमार व्यक्ति अगर कोरोना पॉजिटिव होता है तो वो बाहर आइसोलेशन सेंटर में रखा जाएगा। होम आइसोलेट कोरोना पॉजिटिव के लिए ऑनलाइन जानकारी की व्यवस्था की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। अभी जो नया प्रोविजन आया है उसमें यह है कि अब जो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि वो घर में रहना चाहते हैं तो घर में रह सकते हैं। जैसे ही उनका पॉजिटिव आएगा उनके मोबाइल पे मैसेज भी जाएगा और उनसे यहाँ से फ़ोन करके पूछा जाएगा। ऑनलाइन फैसिलिटी भी उपलब्ध कराया जा रहा है, ऑनलाइन भी वो अप्लाई कर सकते हैं कि घर पर रहना चाहते हैं। वो फैसिलिटी अभी नहीं है, अभी फ़ोन से हम लोग पूछ लेंगे। अगर वो घर पर रहना चाहते हैं, पॉजिटिव केस है तो चेक कर लिया जाएगा कि घर पर उनका पर्याप्त आइसोलेशन का व्यवस्था है कि नहीं। अगर वो उनका ये मानना है कि उनके घर पर पर्याप्त व्यवस्था है, घर के मेंबर्स को वो अलग रख सकते हैं, तो उनको घर पर छोड़ा जा सकता है, बशर्ते कि वो एसिम्प्टोमेटिक हो, उनको कोई कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना नहीं हो। अगर प्रशासन को लगेगा कि उनका कोई बीमारी है, कोई और कोमॉर्बिडिटी है, कोई और बीमारी है, या फिर घर में रखना एकदम पॉसिबल नहीं है, उस केस में उनके रिक्वेस्ट को मना करते हुए उनको आइसोलेशन में भी शिफ्ट किया जाएगा। अगर वो खुद रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको आइसोलेशन में शिफ्ट किया जाए, उस केस में भी उनको आइसोलेशन में शिफ्ट किया जाएगा। और अगर वो घर में रहना चाहते हैं तो घर में रहने का भी परमिशन दिया जाएगा। तो ये कल डिसीजन हुआ है, तो आप लोगों को बताना है।